विश्वास साहब अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। कारण ये था कि उनके दोनों पुत्र आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन अमेरिका में प्राप्त कर रहे थे। विश्वास साहब जब सेवानिवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौटाए और उनके साथ ही रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने विश्वास साहब को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। विश्वास साहब अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका गए, परंतु उनका मन वहां पर बिल्कुल नहीं लगा और वे भारत लौटाए। दुर्भाग्य से विश्वास साहब की पत्नी को लकवा हो गया और पत्नी पूर्णतः पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्य क्रम से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य विश्वास साहब के भरोसे पर था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। विश्वास साहब पूर्ण निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का निर्वहन कर रहे थे। एक रात्रि विश्वास साहब ने दवाई वगैरह देकर भावना को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात्रि के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से विश्वास साहब की मौत हो गई। पत्नी प्रातः 6 बजे जब जागी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर नित्य क्रम से निवृत्त होने में उसकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूंकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी, उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि विश्वास साहब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज देकर बुलाना भी पत्नी के वश में नहीं था। घर पर और कोई सदस्य भी नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घसीटते हुए फोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद वह फोन तक पहुंची और उसने फोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर जैसे तैसे लगाए। पड़ोसी भला इंसान था, फोन पर कोई बोल नहीं रहा था पर फोन आया था, अतः वह समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा विश्वास साहब पलंग पर मृत पड़े थे तथा पत्नी भावना टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। पहले विश्वास और फिर भावना की मौत हुई। जनाजा दोनों का साथ साथ निकला। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिसकी माँ बाप को उम्मीद थी। शायद वे कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार के साथ अति महत्वाकांक्षा से पहले ही दबे हुए थे। लोग बाग लगाते हैं फल के लिए, औलाद पालते हैं बुढ़ापे के लिए, लेकिन कुछ ही औलाद अपना फर्ज निभा पाते हैं। अति सुंदर कहा है एक कवि ने, मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, चांद सितारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। अगर दे सको शिक्षा दो तुम इन्हें चरण छू लेने की, जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।